हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मिर्ची के बैगन बनाएंगे, हरे मिर्ची के बैगन। तो हमें बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें लगती हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो ये मैंने 1 सवा पाव बैगन लिए हैं, हरे वाले। और जनरली हम हरे मिर्ची के बैगन के लिए हरे बैगन ही लेते हैं, काले वगैरह नहीं लेते हैं, या सफ़ेद जो है वो भी नहीं लेते, हरे ही लेते हैं। और फिर प्याज लिया है मैंने मीडियम, और एक बड़ा टमाटर लिया है क्योंकि बैंगन में थोड़ा खट्टापन रहा, टमाटर अच्छा रहा तो अच्छा लगता है। और मिर्ची है, तो मिर्ची तीखे के हिसाब से है क्योंकि वो मिर्ची के ऊपर डिपेंड है आपको कितना तीखा। तो मैंने मिर्ची ली है अपने हिसाब से। तो गाइज, हम अभी इसको तड़का देते हैं, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। गैस, इसमें बिल्कुल कम तेल लगता है, हम तेल लेंगे। अभी कढ़ाई रख दिया है हमने गैस पे, अभी तेल लेंगे। तो हमने बिल्कुल थोड़ा ही तेल लिया है। तेल को गर्म होने देंगे। हम इसमें राई डालेंगे, सरसों। राई तड़कने की आवाज आ रही है तो हम प्याज डाल देंगे। प्याज के एजेस सिकुड़ जाए तब हम टमाटर और मिर्ची डालेंगे, क्योंकि हमें प्याज को बहुत ज्यादा भूनना नहीं है। इसके प्याज के एजेस सिकुड़ गए हैं गाइस, और यहाँ पे बबल भी आए हैं। तो अभी इसी स्टेज पर थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है, तो हम टमाटर डालेंगे। टमाटर नरम होने तक के हम इसको पकाएंगे, तो थोड़ा ढक लेंगे और गैस को कम कर देंगे। टमाटर पक गए हैं गाइस, अब हम मिर्ची डालेंगे। और हल्दी डालेंगे। और मैं थोड़ा हींग भी डालूंगी। हींग आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है तो। तो ये गाइस, ये हो गया हमारा। अभी हम बैंगन डालेंगे इसमें। मिर्ची हमने ज़्यादा इसलिए पकाई नहीं है क्योंकि ज़्यादा पकाने से मिर्ची का जो तीखापन है वो कम हो जाता है, तो इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया मिर्ची को। और गैस, फिर अभी हम नमक डालेंगे। नमक इसमें ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं लिए हैं, प्याज नहीं लिए हैं, उस वजह से नमक भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत कम लगता है। और इसको अच्छे से घुमाएंगे। अगर कहीं हल्दी नहीं लग गई या तेल नहीं लग गया तो ये जो हमारे बैंगन हैं वो काले गिरेंगे, तो इसीलिए इसको अच्छे से घुमाएंगे इसको, यानी सब तरह से कोट हो जाएगी अच्छे से। तो देखिए गाइस, ये जो है मैंने तेल बहुत कम डाला था, फिर भी ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे बहुत सारा तेल है, क्योंकि बैंगन को भी तेल रहता है तो वो भी छूटते रहता है, तो इसकी वजह से एक बहुत ही कम तेल में ये सब्जी बन जाती है। अभी हम इसको ढककर पकाएंगे।
गाइस हमारे बैगन हैं, पक गए हैं। इसको हार्डली 10 मिनट लगते हैं पकने में भाप में। और अभी हम गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर लीव डालेंगे। तो गाइस आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये जो है अभी रेडी टू ईट है गाइस, हमारे बैगन की सब्जी।